मासिक के दौरान अधिक ब्लीडिंग होना, क्यों कुछ महिलाओं को काफ़ी हैवी पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ऐसा क्या होता है जिसके कारण कि महिलाओं की ब्लीडिंग इतनी हैवी होती है, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उन्हें यह समस्या कम आए या उसका ट्रीटमेंट हो सके। इसका एक दो नहीं 10 से भी अधिक कारण होते हैं कि क्यों महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होती है। आप ये वीडियो आज पूरा डिटेल में देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आज मैं एक एक पॉइंट कवर करने वाली हूँ कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि ब्लीडिंग हैवी होती है, क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं, और क्या क्या वह नेचुरल तरीके हैं जिससे कि आपको इस समस्या से थोड़ा राहत मिल सकती है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हैवी पीरियड्स क्या होते हैं, कितनी ब्लीडिंग को हम अधिक ब्लीडिंग कहते हैं, कितनी ब्लीडिंग नॉर्मल ब्लीडिंग है और कितनी को हम अधिक ब्लीडिंग कहेंगे। तो देखिए, महिलाओं के अंदर यूजुअली 3 से 7 दिन तक पीरियड्स रहते हैं और यूजुअली 40-50 ml ब्लड लॉस हो जाता है पीरियड्स के दौरान। यदि आपका ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा है या फिर आपके पीरियड्स 7 दिन से अधिक चल रहे हैं तो हम इसे हैवी पीरियड्स कहेंगे, जिसे हम हमारी साइंटिफिक भाषा में मीनोरेजिया कहते हैं। देखिए, अब ये कैलकुलेट करना कि 80 ml हो गया या नहीं हुआ, ये इतना आसान चीज़ नहीं है। तो मैं दूसरी तरह से बताती हूँ कि क्या आप ऐसा सिम्टम्स, अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम है तो हम मान सकते हैं कि आपका हैवी पीरियड है। जैसे कि अगर आपको अपना सैनिटरी नैपकिन एक की जगह 2 लगाने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी हैवी होती है कि एक से काम नहीं चलता है। आपके अंदर क्लॉट्स, आपसे क्लॉट्स निकलते हैं, बच्चेदानी में से क्लॉट्स निकलते हैं, और क्लॉट्स छोटे छोटे नहीं निकलते, 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर के क्लॉट्स निकलते हैं, यानी कि जितना एक सिक्का जितना होता है उससे बड़े क्लॉट्स निकलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो जब पीरियड्स आते हैं तब उस टाइम पर आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि आपकी ब्लीडिंग हैवी होती है, या फिर आपकी ब्लीडिंग इतनी हैवी होती है कि आपको हर घंटे घंटे में सैनिटरी नैपकिन या टैम्पून जो भी आप यूज़ करती हैं उसे चेंज करना पड़ता है, ऐसा 2-4 घंटे से अधिक समय के लिए आपके साथ रहता है कि आपको हर घंटे कुछ चेंज करना पड़ रहा है। आपका ब्लीडिंग अधिक होने के कारण आपको बहुत थकान रहती है, आपको बहुत जैसे सांस जल्दी फूल जाता है, ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या आपके पीरियड 7 दिन से अधिक चल रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपके अंदर, कोई भी चीज़ आपके अंदर फिट होती है, यानी कि आपको हैवी पीरियड्स हैं या आपको, यानी आपको अधिक ब्लीडिंग की समस्या है। अब अधिक ब्लीडिंग की समस्या क्यों होती है, क्या क्या ऐसे कारण हैं? देखिए, अधिक ब्लीडिंग होने का महिलाओं के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कारण होता है वह होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वह बैलेंस स्टेट में नहीं है, उसका इम्बैलेंस हो गया है। हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों हो जाता है, ये बहुत ही कॉमन होता है। इसमें जब हम मरीज की सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन पीरियड्स काफ़ी हैवी आ रहे होते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस किस कारण से होता है? देखिए, महिलाओं में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, LH होता है, FSH होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो उनका जो बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस्ड हो जाए। कभी कभी बहुत अधिक स्ट्रेस के कारण भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी जैसे कि आपने सुना होगा कि PCOD वगैरह होता है, तो PCOD में नॉर्मली तो पीरियड्स कम आते हैं, लेकिन कभी कभी हैवी पीरियड की भी, हैवी ब्लीडिंग की भी शिकायत हो सकती है आपको। हार्मोनल इम्बैलेंस कभी कभी थायराइड की वजह से हो सकता है। थायराइड आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन समस्या है। तो इसमें जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि मोटा होने वाला थायराइड, उस कंडीशन के अंदर बहुत कॉमनली जो पीरियड्स होते हैं वह जल्दी जल्दी आते हैं और जो ब्लीडिंग होती है वह भी अधिक होती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस ओवरीज का डिसफंक्शन हो, यानी कि बच्चेदानी की साइड में जो 2 अंडाशय होते हैं उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं चल रहा है, उनका डिसफंक्शन होने के कारण भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जिसके कारण भी आपको हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति के अंदर पीरियड्स हैवी आना बहुत कॉमन चीज़ है। ये होता है सबसे कॉमन कारण महिलाओं के अंदर, जब हम सोनोग्राफी भी कराते हैं और रिपोर्ट में हमें कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती, लेकिन महिला को हैवी पीरियड्स आ रहे होते हैं। दूसरी कॉमन कारण जो होता है जिसके अंदर की हैवी पीरियड्स आते हैं वह होता है फाइब्रॉइड। बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड के गिठान, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड के गिठान एक बहुत ही कॉमन समस्या है। लगभग 25% महिलाओं को यह फाइब्रॉइड की गिठान होती है, यानी कि हर 4 महिला में से 1 को फाइब्रॉइड होता है, पर हर महिला को यह प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लीडिंग की तकलीफ नहीं आती। सिर्फ 5% महिलाओं को ही फाइब्रॉइड के कारण ब्लीडिंग की तकलीफ आती है, यानी कि है चाहे 25% में, लेकिन तकलीफ ये सिर्फ 5% को ही देता है। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि फाइब्रॉइड का पहली बात तो साइज अलग अलग हो सकता है, किसी के अंदर बहुत छोटा हो सकता है जस्ट मटर के दाने जितना है, किसी के अंदर एक सेब के जितना बड़ा साइज का भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली बड़े साइज की जो गिठाने होती हैं वह ब्लीडिंग प्रॉब्लम अधिक देती हैं। फाइब्रॉइड साधारण गांठ होती है बच्चेदानी की, यानी कि मस्सा जिसे हम कहते हैं, उस तरह की गांठ होती है, ये कैंसर की गिठान नहीं होती है। तो एक टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये किसी भी प्रकार की कैंसर होता है, फाइब्रॉइड बच्चेदानी का कैंसर नहीं होता, यह साधारण गिठान होती है। ऑब्वियसली छोटी है तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम कम देती है, बड़ी है तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम अधिक दे सकती है। खाली इसका साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसकी लोकेशन यानी कि यह बच्चेदानी के अंदर कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए बच्चेदानी की तीन दीवारें होती हैं, एक सबसे अंदर की दीवार होती है, एक बीच की दीवार होती है और एक होती है बाहर की दीवार। तो जब भी यह फाइब्रॉइड सबसे अंदर वाली दीवार पर होता है, जिसे हम म्यूकोजल लेयर कहते हैं या एंडोमेट्रियम कहते हैं, जब भी यह अंदर वाली दीवार पर होता है तो उसमें छोटी सी भी गिठान होती है तो वह भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम अधिक देती है। बाहर की दीवार पर है तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम कम आती है, और बीच वाली दीवार पर है तो बीच के अमाउंट की ब्लीडिंग प्रॉब्लम आती है। तो फाइब्रॉइड्स बहुत ही कॉमन वस्तु है। सेकेंड कॉमन कॉज है महिलाओं के अंदर हेवी पीरियड्स होने का। तीसरा प्रमुख कारण होता है क्यों बच्चे महिलाओं में बच्चेदानी के थ्रू ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वह होता है बच्चेदानी की सूजन, जिसे कि हम कॉमन भाषा में कहते हैं बच्चेदानी की सूजन, गर्भाशय की सूजन, और साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में क्या होता है, जो बच्चेदानी की अंदर वाली दीवार होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो मायोमेट्रियम के अंदर एंटर कर जाती है, जिसके कारण की अधिक ब्लीडिंग होती है। इस प्रकार की ब्लीडिंग में यूजुअली ब्लीडिंग के साथ में अधिक दर्द भी पाया जाता है, एडिनोमायोसिस जिसे हम कहते हैं। सोनोग्राफी के द्वारा यह डिटेक्ट हो जाती है। चौथा कॉमन कारण महिलाओं में हेवी पीरियड्स आने का होता है एंडोमेट्रियोसिस। यह भी एक प्रकार की हार्मोन रिलेटेड ही बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चेदानी के अंदर वाली दीवार है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी ग्रोथ बच्चेदानी के अलावा और भी कई ऑर्गन्स में हो जाती है, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स में हो जाती है, ओवरी में हो जाती है, पेरिटोनियम पे हो जाती है, कभी कभी पेशाब की थैली और रेक्टम तक में भी इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो जब बच्चेदानी के अंदर वाली दीवार, जो कि सिर्फ बच्चेदानी के अंदर होनी चाहिए थी, इन अलग अलग लोकेशंस में भी हो जाती है तो यह भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम दे सकती है, हेवी पीरियड्स दे सकती है, मेनोरेजिया दे सकती है। पांचवा कॉमन कारण महिलाओं के अंदर हेवी पीरियड्स आने का होता है PID, जिसे हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, या साधारण भाषा में बोलूं तो नीचे वाले हिस्से का इन्फेक्शन होना, बच्चेदानी, गर्भाशय और उसके साइड में जो ट्यूब्स और ओवरीज होती हैं उसका इन्फेक्शन हो जाना। ये इन्फेक्शन भी PID भी हेवी पीरियड्स देता है। इन्फेक्शन कई प्रकार के कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी निजीरिया का इन्फेक्शन हो गया, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो गया, तो इन कारणों से भी आपके जो पीरियड्स हैं वह हेवी हो सकते हैं। जब भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में यूजुअली हेवी पीरियड्स के साथ में पेट के निचले हिस्से में दर्द पाया जाता है, पेट के निचले भाग में दर्द होता है, आपको बुखार भी आ सकता है, लंबे समय तक इस प्रकार का दर्द बना रहता है जब तक कि आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के ये ठीक ना किया जाए, और साथ में ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी देता है। तो PID भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग होने का। छठा कॉमन कॉज होता है, आपने अगर किसी प्रकार का कॉपर टी या इंट्रायूटरिन डिवाइस लगाया हुआ है, बहुत बार फैमिली प्लानिंग के लिए कॉपर टी लगवाई जाती है। कॉपर टी यूजुअली 20% तो ब्लीडिंग को बढ़ा ही देती है, 10-20% मेजोरिटी लोगों में 10-20% ब्लीडिंग का अमाउंट जो होता है वह बढ़ जाता है, कुछ एक महिलाओं में ज़्यादा भी बढ़ जाता है और ब्लीडिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी हमें कॉपर टी निकालने की भी ज़रूरत रहती है। सातवां कॉमन कॉज ब्लीडिंग प्रॉब्लम का, जो कि छोटी बच्चियों में देखा जाता है यूजुअली, वह होता है कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। कोएगुलेशन डिसऑर्डर का मतलब होता है खून का थक्का जमने की तकलीफ, यानी कि अपने आप से खून का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लीडिंग एक बार शुरू हो जाती है तो वह रुकती नहीं है, कंटिन्यू रहती है। इसमें ना केवल ये पीरियड्स के दौरान की ब्लीडिंग अधिक होती है, बल्कि अगर कभी कहीं गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उस टाइम पे भी जो ब्लीडिंग होती है वह लंबे समय तक चलती है। तो इसे कोएगुलेशन डिसऑर्डर, जैसे कि वॉन विलिब्रांड डिजीज है, ऐसे केसेस के अंदर भी ब्लीडिंग ज़्यादा मिलती है। यूजुअली यंग बच्चियों में होती है, क्योंकि ये जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, यानी कि बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, तो जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं तो शुरू होते ही ये हैवी पीरियड्स की तरह प्रेजेंट करते हैं ऐसे केसेस।
आठवां कॉमन कॉज होता है हेवी पीरियड्स होने का, आप कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं, यानी कि आप एंटीकोएगुलेंट्स पे हैं, कभी कभी एंटीकोएगुलेंट्स यानी कि खून पतला करने की दवाइयाँ जैसे कि वॉरफ्रिन वगैरह दी जाती हैं। बहुत बार किसी किसी को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का एपिसोड हुआ होता है, स्ट्रोक हुआ होता है किसी को, कभी कभी किसी की हार्ट की सर्जरी हुई होती है, वॉल्व की सर्जरी हुई होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत बार खून पतला करने की दवाइयों पर रखा जाता है, ब्लड थिनर्स पर रखा जाता है जैसे कि वॉरफ्रिन वगैरह होता है। तो उसके कारण भी ऑब्वियसली अगर खून पतला अधिक रहेगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा, खून का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लीडिंग जो होगी वह अधिक की साइड में होगी। तो ऐसे केसेस के अंदर भी जो पीरियड्स होते हैं वह हैवी होते हैं। कभी कभी मीनोपॉज के पास जब आप पहुंचती हैं, पेरी मीनोपॉजल एज ग्रुप में भी हॉर्मोन्स इस प्रकार के होते हैं जिसके कारण के जो पीरियड्स होते हैं वह हैवी होते हैं, ब्लीडिंग अधिक के साइड में होता है। नाइन्थ कॉमन कॉज की हेवी ब्लीडिंग होने का होता है मिसकैरेज होना। कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन महिला को पता नहीं चलता है, पीरियड जिस टाइम पे आना चाहिए था तब नहीं आता है, वह डिले हो जाता है, एक महीने की जगह डेढ़ महीने पे आता है, महिला को ऐसा लगता है कि ये डिलेड पीरियड है। अगर महिला प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करके देखती है तो वह मान लेती है कि जस्ट ये डिलेड पीरियड है, लेकिन जब भी प्रेगनेंसी अबॉर्ट होती है, मिस्ड अबॉर्शन होता है या अबॉर्शन होने के बाद ब्लीडिंग होती है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल पीरियड से हेवी पीरियड्स होते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो एक मिसकैरेज होने के बाद की जो ब्लीडिंग होती है डेफिनेटली वह भी नॉर्मल पीरियड से हेवी होती है, पर इस प्रकार की जो ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली एक दो साइकिल में ऐसी रहती है, यानी कि जिस साइकिल में मिसकैरेज हुआ उस साइकिल के अंदर हेवी पीरियड्स होते हैं, उसके बाद ये जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है वो ऑब्वियसली जैसे आपके नॉर्मल साइकिल्स चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाता है। दसवां कॉमन कॉज महिलाओं के अंदर ब्लीडिंग प्रॉब्लम होने का होता है पॉलिप्स, यानी कि बच्चेदानी के दीवार के अंदर छोटी छोटी सी मस्से जैसी सी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जिसे हम यूटराइन पॉलिप्स कहते हैं, वो हमें सोनोग्राफी से नज़र आ जाते हैं और उनको निकालना भी माइनर प्रोसीजर होता है, निकल जाते हैं, इतनी चिंता की बात नहीं होती। ग्यारहवां प्रमुख कारण हेवी पीरियड्स होने का, एक जो बहुत ही सबसे खतरनाक वाला जो कारण है वह होता है बच्चेदानी का कैंसर। उसमें वह कैंसर बच्चेदानी की अंदर की दीवार का कैंसर भी हो सकता है और बच्चेदानी का मुख का कैंसर भी हो सकता है, यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर, दोनों ही प्रकार के कैंसर्स हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम माइनर सी भी हो सकती है, का कारण बहुत ही माइनर सा, जस्ट थोड़ा हार्मोन सेल का स्ट्रेस वगैरह बढ़ गया या ओवरी का डिसफंक्शन हुआ या थायराइड थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और हेवी ब्लीडिंग आ गई, या फिर बहुत खतरनाक कारण जिसके अंदर की बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसका डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से हेवी पीरियड्स आ रहे हैं। तो डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, कैसे पता करते हैं, क्या किया जाता है? डेफिनेटली हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना रहेगा। गायनेकोलॉजिस्ट आपको नीचे से चेक करते हैं, परस्पेकुलम और परवेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। पीएस और पीवी एग्जामिनेशन करने पे आपको बहुत बार बहुत सी समस्याएं होती हैं जो हमें डायरेक्टली नज़र आ जाती हैं, कभी कभी कोई पॉलिप बाहर आ रहा है, कभी इन्फेक्शन है तो वो हमें पता चल जाता है, बच्चेदानी के मुख का कैंसर है तो वह भी नज़र आ जाता है। तो पीएस पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है, डेफिनेटली आपकी सोनोग्राफी भी करवाई जाती है। सोनोग्राफी के अंदर बहुत सी समस्याएं पकड़ में आ जाती हैं जैसे कि अगर एडेनोमायोसिस है, बच्चेदानी की सूजन है, बच्चेदानी के अंदर गिठान है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है यानी कि बच्चेदानी की दीवार थिकंड हो गई है, पॉलिप्स हैं बच्चेदानी की दीवार के अंदर, तो ऐसी कंडीशंस भी यूजुअली सोनोग्राफी के अंदर पकड़ में आ जाती हैं। साथ में ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं? यूजुअली सबसे पहले डेफिनेटली हम हीमोग्लोबिन तो टेस्ट चेक करेंगे। ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो खून की कमी होना सबसे कॉमन रिजल्ट होता है इसका, तो आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो जाता है तो डेफिनेटली हम हार्मोन्स को चेक करते हैं। हार्मोन्स को में किन किन हार्मोन्स को चेक किया जाता है? आपका थायराइड हार्मोन चेक किया जाता है, उसका टेस्ट कराया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक किया जाता है, LHFSH का रेशियो देखा जाता है। तो ये आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट कराए जाते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि क्या कारण है। कभी कभी जब यंग गर्ल्स के अंदर हम कोएगुलेशन डिसऑर्डर सोच रहे होते हैं तो कोएगुलेशन प्रोफाइल भी कराया जाता है जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई खून का थक्का जमने वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ खून के टेस्ट, सोनोग्राफी और आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हमें मेजॉरिटी पेशेंट्स में पता पड़ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करना ज़रूरी क्यों होता है?
क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी कि अगर आपको मेनोरेजिया है हैवी पीरियड्स है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? डेफिनेटली अगर आपकी ब्लीडिंग अधिक के साइड में रहती है तो आपके अंदर खून की कमी आ जाएगी। खून का कमी आने के कारण आपको रेगुलरली थकान रह सकती है, आप बहुत जल्दी थोड़ा सा काम करने पर ही थक सकते हैं, आपकी सांस फूल सकती है जल्दी से, आप और सभी बीमारियों के लिए प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही खून की कमी होती है आपको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी कैच कर जाता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि यूजुअली जो ये हैवी पीरियड्स होते हैं उसमें सिर्फ ब्लीडिंग हैवी नहीं होती, ये यूजुअली पेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो दर्द होता है वह नॉर्मल पीरियड से यूजुअली अधिक की साइड में होता है। तो हैवी पीरियड्स में डेफिनेटली एक तो खून की कमी हो जाएगी, दूसरा आपको दर्द भी होगा। तो ये दो मेन कॉम्प्लिकेशंस या दो मेन प्रॉब्लम आती हैं हैवी पीरियड्स के कारण। तो ये तो मैंने बताया, हमने डिस्कस किया कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अब क्या हम इसका इलाज क्या रहता है, क्या करते हैं? डेफिनेटली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको क्या दिया जाता है, क्या क्या आपके साथ किया जाता है? देखिए यूजुअली हम दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। दवाइयों में कुछ एक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लीडिंग को, इन जनरल किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग को कम कर देती है, जैसे कि एनसीएड्स होते हैं, एनसीएड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें कि कॉमनली अगर आपने नाम सुना हो ब्रूफिन है, डिक्लोफिनेक है, ये वाली दवाइयाँ जो होती हैं ये ब्लीडिंग को थोड़ी कम कर देती हैं और पेन को भी कम कर देती हैं। ट्रेनेक्सा दिया जाता है, ट्रेनेक्सा एक ऐसी दवाई है, ट्रेनेक्सामिक एसिड, जो किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग को थोड़ा कम कर देता है। तो इस प्रकार की दवाइयाँ तो डेफिनेटली हम सभी मरीजों में दे देते हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन कॉज कि क्या कारण है हैवी ब्लीडिंग का, हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं। अगर देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन्स को हम बैलेंस करने की गोलियाँ देते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए यूजुअली दो प्रकार की गोलियाँ यूज़ की जाती हैं। पहली जो सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है वह होती है बर्थ कंट्रोल पिल्स, या जिन्हें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर की ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स, अगर आपको हार्मोनल इंबैलेंस है तो आपका ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जा सकती हैं। कभी कभी प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, वह भी ब्लीडिंग की समस्या को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर देता है अगर वह हार्मोनल तकलीफ के कारण है। बहुत बार महिलाओं की कंप्लेन होती है, डॉक्टर साहब कब तक दवाई खाएं? जब तक दवाई खाते हैं चीज़ ठीक रहती है, जैसे ही दवाई बंद करते हैं वापस से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमारे पास एक और सोल्यूशन होता है कि हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस डाल देते हैं, यानी कि बच्चेदानी के अंदर ही एक कॉपर्टी जैसी सी चीज़ डाल देते हैं जो कॉपर आयंस नहीं रिलीज करती, जो एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन आपके बच्चेदानी पे काम करता रहता है, जिसके कारण जो ब्लीडिंग होती है वह सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। आपको रोज़ रोज़ दवाई नहीं खानी पड़ती। ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता है 5-6 साल तक काम करता है, तो एक बार लगाया और 5-6 साल की छुट्टी हो गई। लेकिन हाँ, ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी काम करता है। तो अगर आपको हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली या तो आपको हार्मोनल पिल्स दी जाएंगी, बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाएंगी, प्रोजेस्टेरोन दिया जाएगा, या फिर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगर बाय चांस आपको हार्मोन वाली प्रॉब्लम नहीं है, आपको फाइब्रॉइड्स की समस्या है, तब देखिए फाइब्रॉइड में अगर आपकी उम्र छोटी है, दवाइयों को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो हम क्या कर सकते हैं, मायोमेक्टमी कर सकते हैं, यानी कि फाइब्रॉइड की गिठान को दूरबीन के प्रोसीजर द्वारा निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है अगर आपकी उम्र 40-45 साल से अधिक हो चुकी है, आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है और आपको फाइब्रॉइड्स हैं और दवाइयों को आप रिस्पॉन्ड नहीं करें, तो हम पूरी बच्चेदानी निकालने की सर्जरी करते हैं, जिसे हम हिस्टेक्टमी कहते हैं, वो भी दूरबीन द्वारा आजकल ईजिली हो जाती है। कभी कभी कुछ महिलाएं मेजर सर्जरीज के लिए फिट नहीं होती हैं या सर्जरी कराना ही नहीं चाहती हैं, तो एक और प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन द्वारा भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए बच्चेदानी का जो ब्लड फ्लो होता है वो बच्चेदानी की आर्टरीज के द्वारा जाता है, जिसको कि हम यूट्राइन आर्टरीज कहते हैं। तो हम उन यूट्राइन आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, उनमें हम डाल देते हैं एम्बोलाई, कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल देते हैं जिससे कि बच्चेदानी की तरफ जो जाता हुआ ब्लड फ्लो है वह कम हो जाता है। अब बच्चेदानी में खून ही कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है, जो दीवार थिकंड हो रही है, वह भी कम होगी और ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग भी कम होगी। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल एब्लेशन वगैरह, वो भी किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉज, जैसा कि मैंने बताया। अगर यही ब्लीडिंग प्रॉब्लम आपको 40-45 साल के ऊपर की एज में मिलती है,
और कोई फाइब्रॉइड ऐसा कुछ एविडेंट चीज़ नहीं दिखाई देती तो हम कई बार डीएनसी करने की सलाह ज़रूर से देते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं क्यूरेटिंग कर लेते हैं, यानी कि बच्चेदानी की जो दीवार है उसको क्यूरेट करके निकाल के उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। उससे हमें जो एक मेजर एडवांटेज होता है वो ये होता है, डेफिनेटली उससे कुछ लोगों में ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, पर मेजर एडवांटेज जो होता है वो ये हो जाता है कि हम कैंसर रूल आउट कर लेते हैं, यानी कि बच्चेदानी का कोई कैंसर तो नहीं है, वो चीज़ क्लियर हो जाती है। तो अगर आपको हेवी ब्लीडिंग की समस्या है तो घबराइए नहीं, डॉक्टर के पास जाइए। ट्रीटमेंट पूरी तरह से अवेलेबल होता है, दवाइयों से होता है, हार्मोन से होता है, कई प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात कि आप क्या ऐसा कर सकती हैं, जब अगर आपको हेवी पीरियड्स हो रहे हैं तो आप नेचुरल वे में क्या क्या चीज़ें, आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ब्लीडिंग हैवी है तो आपको अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है। आप अच्छी डाइट लेंगी तो कम से कम आप एनेमिक नहीं होंगी, उसका जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, मेजर साइड इफेक्ट है, वह आपको नहीं मिलेगा। अच्छी डाइट में स्पेसिफिकली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी कि लिक्विड का इंटेक, पानी का इंटेक अच्छी मात्रा में होना चाहिए, जिससे चक्कर वगैरह नहीं हो, आप हाइपोटेंशन में ना जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी डाइट आयरन रिच होनी चाहिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन कम ना हो। आयरन रिच खाना खाइए, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, पालक है, अनार है, सेब है, बीट है, इनका प्रयोग अधिक कीजिए, बीन्स वगैरह है, ताकि कि आपका आयरन जो है, आपका हीमोग्लोबिन जो है वह नॉर्मल रेंज में रहे, वह डिप ना करे। आयरन की एक और टेंडेंसी होती है कि आयरन खा तो हम लेते हैं इन सब सप्लीमेंट्स में, लेकिन आयरन बहुत बार एब्जॉर्ब नहीं होता। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाया जाए, आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी जो होता है वह आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो आप डाइट के अंदर विटामिन सी रिच डाइट लीजिए। विटामिन सी किन चीज़ों में होता है, खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, आंवला है, इन चीज़ों के अंदर विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जो होता है वह आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो आपको डाइट में ना केवल आयरन रिच डाइट लेनी है बल्कि विटामिन सी रिच डाइट भी लेनी है, ताकि आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो और आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल मेंटेन रहे। साथ में आप कई बहुत बार आयरन ऐसे नहीं जा रहा है, तो एक पुराने ज़माने में बहुत कहावत होती थी और यूज़ भी किया जाता था, आयरन के पॉट्स होते हैं, यानी कि कढ़ाई वगैरह होती है, आयरन के पतीले होते हैं, आयरन के बर्तन होते हैं, आयरन का स्पॉट्स होते हैं, जिनमें कि आप खाना बनाते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ा आयरन आपके अंदर चला जाता है, तो वह भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ही अंदर चला जाए, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको डाइट अच्छी लेनी है, हाइड्रेटेड रहना है, लिक्विड बहुत सारा लेना है। बहुत बार कुछ लोग खाने में बहुत अच्छे नहीं होते, यानी बहुत चूज़ी होते हैं कि नहीं हरी सब्जी खानी ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, ऑब्वियसली हम आयरन और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स दे देते हैं। देखिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर का तो काम है, वो दवाई दे ही देगा आपको, तो हम तो आपको विटामिन सी और आयरन की गोलियाँ भी दे देंगे। तो लेकिन आप नेचुरली अपनी डाइट को जितना इम्प्रूव करें उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको भी हेवी पीरियड्स की प्रॉब्लम है और इस वीडियो के बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।